ड्रोन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन कौन सा ड्रोन ले पता नहीं चल रहा। अमेजोन ने या किसी दोस्त ने बोल तो दिया है कि गरुड़ा का ड्रोन ले लो। अब गरुड़ा ड्रोन लेने के लिए उसके कैमरे के बारे में जानना जरूरी है, राइट? कैमरे के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए, तो चलिए शुरू करते हैं, इस ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। सो आप ये जो वीडियो देखेंगे उसमें किसी भी प्रकार का एडिट नहीं किया गया है, ना तो वो स्पीड से चलाया गया है और ना ही धीरे से चलाया गया है, और ना ही उसमें कोई फिल्टर यूज किया गया है। जो वीडियोस है वो एकदम ओरिजिनल है, किसी भी प्रकार का उसमें एडिट नहीं किया गया है। एडिट करके वीडियो तो डाल सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन लेने में उतनी हेल्प नहीं करेगा, राइट? सो ये जो भी वीडियो देखेंगे आप, वो ओरिजिनल वीडियो होगा और ड्रोन के द्वारा शूट किया गया होगा। इस ड्रोन की एक प्रॉब्लम है कि ये ऊपर हवा में टिक नहीं पाता, यह हवा के साथ बहता चला जाता है, सो वीडियोस थोड़ी सी ब्लर आती है। बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग व्यू लिया, लोकेशन पे जाके मैं सनराइज का वेट कर रहा था, और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिख तो साफ रहा है, कैमरा भी ठीक ठाक है, लेकिन लग रहा है जैसे फ्रेम रेट FPS थोड़ी कम है, वीडियो अटक अटक के चल रहा है। हाँ, कार को देख के पता चल सकता है कि कौन सी कार है। सनराइज को शूट करने से पहले मैंने इस मंदिर को शूट किया था, देखने में पता तो चले कि इसका कैमरा किस क्वालिटी की वीडियोस बना सकता है। तो ये भी ठीक सा दिख रहा है, मतलब गरुड़ा ड्रोन के इस कैमरे के द्वारा ली गई वीडियो से आप थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि आप जिस रिक्वायरमेंट से ड्रोन ले रहे हैं वो लेना चाहिए कि नहीं। इसके बॉटम कैमरे की ये वीडियो है। टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं शूट कर रहा था तब इतना तो नहीं, लेकिन अंधेरा था। ये बॉटम कैमरा 720p का है। ड्रोन लवर्स, आप वीडियो को पूरा देखें और डिसीजन लें। यह है लोकेशन 2 और लगभग 4 बजे हैं। आने जाने वाले गाड़ियों को शूट कर रहे थे। इस ड्रोन का कैमरा हल्का सा अटकता भी है, और जिससे कि अपन ने बात की थी, फ्रेम रेट कम है और थोड़ी क्लेरिटी भी कम है। लेकिन गाइस 7000 तक इतना बढ़िया ड्रोन एंड ये फीचर्स मेरे को तो प्राइस के हिसाब से सही लग रहे हैं। अगर बढ़िया कैमरा और ज्यादा क्लेरिटी और फ्रेम रेट ज्यादा चाहिए तो ज्यादा रेंज वाले ड्रोन को देखना ही होगा, राइट? अगर आप बिगिनर हैं और ड्रोन उड़ाना सीखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आप इस ड्रोन से पहले 2500 की रेंज वाले ड्रोन को मंगा ले और उड़ाना सीखें, क्योंकि ड्रोन इधर उधर हो गया या गिर गया तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये ड्रोन लगभग 7000 तक का है, और अगर आपको थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ाना आता है और बेसिक वीडियो रिकॉर्डिंग्स या वीलॉग्स बनाने हैं तो आप इस ड्रोन को मंगा सकते हैं। 2500 रुपीज की ड्रोन की तुलना में इसकी UI ठीक है, मतलब डिजाइन में काफी अच्छा है। इसको शोपीस की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इस ड्रोन की बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी बैटरी ड्रोन को लगातार उड़ाने पर 10 से 15 मिनट तक चलती है। और हाँ, ये बैटरी ड्रोन को उड़ाने की स्पीड पर भी डिपेंड करती है। ड्रोन 3 स्पीड से उड़ता है, पहली नॉर्मल है, दूसरी थोड़ी तेज है, और तीसरी एकदम स्पीड, मतलब ड्रोन की पीक स्पीड। ये ड्रोन ऊपर हवा में स्टेबल नहीं हो पाता, मतलब जितना मैंने उड़ाया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। थोड़ी हाइट पर तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़िया है, लेकिन हवा में तो ये हवा का साथी बन जाता है और हवा के साथ उड़ता चला जाता है। ड्रोन की बैटरी को लगभग 30 से 45 मिनट तक चार्ज पर रखना पड़ता है। ये है लोकेशन 3, जिसमें अपन ने एक खेत को शूट किया है, और इसके साथ एक छोटा सा फील्ड भी है। तो गाइस अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा और आइडिया तो लग ही गया होगा। इस ड्रोन की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सही ड्रोन को ऑर्डर करें, और डिलीवरी लेने से पहले हो सके तो डिलीवरी बॉय को ही बोल दें पैकेज ओपन करने के लिए। मैंने एक ड्रोन ऑर्डर किया था और खाली बॉक्स आ गया था, हालांकि कोशिश करने के बाद रिफंड भी आ गया था। इस वीडियो में एक और लोकेशन है, उसको भी आप जरूर देखिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।